दोस्तों पहले से ही मैंने ये सोलर प्लेट छत पर लगा ली है ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वो 12 वोल्ट सोलर प्लेट है और 40 वोल्ट में है। उसका वायर मैंने नीचे से ही निकाल लिया है और इसके बोल्ट कुछ मैंने इस तरह से लगाए हैं ताकि प्लेट छत से थोड़ी अलग रहे। ये वायरिंग मैंने नीचे से ली है। ये सोलर की पावर आ रही है और हम इसे मल्टीमीटर से देखेंगे। तो गैस ये मल्टीमीटर से हम देख रहे हैं तो ये 20 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, तो ये सही जा रहा है। इसकी वायरिंग हम सोलर सास कंट्रोलर में करेंगे उसके बाद। तो गैस ये मेरी 12 वोल्ट की बैटरी और ये सोलर सास कंट्रोलर है। यहाँ पर इंडिकेटर दे रखे हैं। यहाँ पर जो है हम सोलर लगाएंगे, यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर बल्ब और यहाँ पर फैन लगा सकते हैं। यहाँ से हम लोड भी ले सकते हैं जो कि 12 वोल्ट पर आएंगे। और ये जो मेरा बल्ब है वो एसी वाला बल्ब है, हम उसे यूपीएस में लगाएंगे। यूपीएस की वायरिंग भी मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लस में प्लस और ये माइनस में माइनस लगा दिया है, फिर भी यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा है। हम उसके बाद बैटरी की वायरिंग करेंगे, जो प्लस के प्लस में दे देंगे और माइनस को माइनस पर लगा देंगे, ठीक है। तो गाइस ये हमने दोनों वायर लगा लिए हैं। उसके बाद जब वायरिंग किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सोलर है चार्जिंग हो रहा है और ऐसे ही मेरी बैटरी ये फुल है। इसके कारण जो ये इंडिकेटर आप देख सकते हैं, अगर आपकी बैटरी लो होगी तो यहाँ पर ये इंडिकेटर रेड लेग में और यहाँ पे भी रेड हो जाएंगे। अगर आपकी बैटरी फुल हो जाएगी तो ये जो इंडिकेटर है वो ग्लो करने लगेंगे, यानी कि बंद चालू होने लगेंगे, ठीक है। तो ये अभी मेरी बैटरी जो है सुबह से चार्ज में रखी हुई थी तो ये फुल चार्ज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने जो ये आप पावर हम चेक करेंगे पहले, तो यहाँ पर मैंने ये प्लस में प्लस और ये माइनस में माइनस को माइनस रख दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे 13 वोल्ट के आसपास पावर मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रखा है तो ये फुल लोड में फुल ऑन है, इसलिए ये इंडिकेटर शो कर रहा है। अगर आपकी बैटरी और ज़्यादा फुल हो जाएगी तो ये ग्लो करने लगेंगे। यह सोलर चार्जर से आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट की सिस्टम आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ से आप लोड भी दे सकते हैं और यहाँ से पंखा भी चला सकते हैं, लेकिन डीसी वाला फ़ैन, मैंने डीसी वाला फ़ैन बनाया है, आप मेरे दूसरे वीडियो पर जाके देख सकते हैं। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है। और यहाँ से दोनों के आप 12 वोल्ट ले सकते हैं। जब आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली आउटपुट जो पावर यहाँ से मिलेगा वो लोड ऑफ हो जाएगा, इसके आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो गाइस ये मेरा यूपीएस है, थोड़ा सा छोटा वाला है, आप अपने हिसाब से बड़ा वाला बैटरी और बड़ा वाला यूपीएस भी लगा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये जो मेरा बल्ब है वो एसी वाला बल्ब है, मैं उसको यहाँ पर कनेक्टिंग कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पिन लगा दी है और ये बल्ब भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिर इसकी जो वायरिंग है उसकी वायरिंग में बैटरी से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। ये जो वायर है वो बैटरी से आ रहा है, वो एक प्लस है और दूसरी मैंने जो 20 में से काट रखा है ताकि निकालना ना पड़े, तो ये माइनस है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ पर मैंने मीटर लगाया तो ये 13 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये प्लस वायर है और ये माइनस वायर है। तो उसका भी यहाँ पे जो ये यूपीएस से वायर आ रहा है तो ये भी हम माइनस को माइनस में लगा देंगे। और गलती हो गई, ये प्लस प्लस में लगा देंगे और ये जो वायर हमारा माइनस से आ रहा है यहाँ पर से, उसको हम ये वायरिंग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा सही हो गया, वायरिंग कर रखी है। अब आप देख सकते हैं हम यूपीएस को स्टार्ट करेंगे तो ये बल्ब ऑटोमेटिक जलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो है आप वायर देख सकते हैं, यहाँ से मैंने लगाया है और इसमें कुछ और वायरिंग नहीं है, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हमारा यूपीएस स्टार्ट होगा तो ये बल्ब ऑटोमेटिकली जलने लगेंगे। आप देख सकते हैं इसकी प्रकाश जो है वो जलने लगा है, आप देख सकते हैं एसी करंट 180 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये बल्ब भी हमारा स्टार्ट है। तो दोस्तों ये पूरी सिस्टम हमने लगा दी है और यहाँ पे जो एक मैंने ये रिले सिस्टम बनाया है वो ये चार्जर के साथ जोड़ रखा है मैंने। यहाँ पर जो ये मेरी बैटरी अभी थोड़ी डाउन हुई है, ये चार्ज हो रही है। और यहाँ पर जो ये मैं है इसको ये चीज, यानी कि जब बिजली आ जाती है तो ये भी जो ये पावर है ये स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि जो हमारा ये भी बल्ब था वो बंद हो गया तो ये स्टार्ट हो गया।
जब मैं यहाँ पर ये एक्स ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी और ये बल्ब भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर आपको यह सर्किट बनानी है तो आप उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक बल्ब वाली सर्किट है जो कि डीसी पर वर्क करती है।